पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। मोटरवेज और नेशनल हाईवेज पर हद निगाह में कमी के बाइस ट्रैफिक मुतासर। M2 लाहौर और M3 फैजपुर से ट्रैफिक के लिए बहाल। M4 फैसलाबाद से गोजरा और M5 इकबालाबाद इंटरचेंज से गुद्दू तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 पर भी गाड़ियों का दाखिला ममनू। मरी में हल्की बारिश और बर्फबारी। मलका कोहिसार रोई के गालों से सफेद। सयाहों का रश। गिलियात में भी बर्फबारी। वादी पर घटाओं का राज। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बलोचिस्तान में बादलों ने रंग जमा दिया। कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में हल्की बारिश के बाद मौसम मजीद सर्द। स्मोक के तदारुक के लिए मुल्क की तारीख में पहली बार मस्नूई बारिश। लाहौर में क्लाउड सीडिंग का पहला कामयाब तजुर्बा। 30 मकामात पर हल्की फुल्की बारिश के दो स्पेल। तजुर्बा UAE हुकूमत के ताबून से किया गया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं इस बारिश का सेहत पर कोई नुकसान नहीं। नतायज आने के बाद अगला फैसला करेंगे। इलेक्शन कमीशन मुल्क में शफाफ इंतखाबात के लिए मुतहर्रिक। निगरान वुसरा को हटाने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को नोटिस जारी कर दिया। निगरान वज़ीर फवाद हसन फवाद और मुशीर राहत चीमा को भी नोटिस अरसाल। समाअत 19 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन में होगी। पीपल्स पार्टी का 27 दिसंबर से इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान। शहरी रहमान कहती है भाम खत्म हो गया। पीपल्स पार्टी इंतखाबात के लिए तैयार है। शजील मेमन ने कहा पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसने पहले दिन से बरवक्त इलेक्शन पर जोर दिया। MKM कराची के आवाम के दिलों में है। पीपल्स पार्टी हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। सीनियर डेप्टी कन्वीनर MKM मुस्तफ़ा कमाल का बल्दिया टाउन में जलसे से खिताब। कहा जिनको हुक्मरानी दी गई वो पानी चोर हैं। क्या हम उनका जुल्म बर्दाश्त करते रहें। कश्मीर का तनाज़ा हल होने तक जनूबी एशिया में अमन मुमकिन नहीं। आर्मी चीफ की UN सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात में गुफ्तगू। मसला कश्मीर और गजा जंग से मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल। कश्मीर की हैसियत तब्दील करने की भारतीय कोशिशों की मजम्मत। सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर ने कहा मसला कश्मीर सलामती काउंसिल करारदादों और कश्मीरी आवाम की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। यक तरफा और गैर कानूनी भारतीय कोशिश सलामती काउंसिल की करारदादों के खिलाफ वर्जी है। आर्मी चीफ का गजा में फलस्तीनियों की हालत ज़ाहर पर इजहार तशवीश। गजा में मुकासमत के खात्मे के लिए आलमी बरादरी को मुतहरिक करने पर जोर। मसले का पायदार हल दो रियासती हल में मुज़मिर। स्मोक के तदारुक के लिए मुल्की तारीख में पहली मस्नूई बारिश। लाहौर में क्लाउड सीडिंग का पहला कामयाब तजुर्बा। 30 मकामात पर हल्की फुल्की बारिश के दो स्पेल। तजुर्बा UAE हुकूमत के ताबुन से किया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है इस बारिश का सेहत पर कोई नुकसान नहीं। नतायज आने के बाद अगला फैसला करेंगे। उधर मस्नूई बारिश के बावजूद स्मोक ने जान न छोड़ी। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर। कराची का दूसरा नंबर। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध ने भी डेरे डाल दिए। लाहौर सियालकोट मोटरवे और फैजपुर से समुद्री तक M3 बंद। कौमी शहरात पर भी हद निगाह इंतहाई कम। मस्नूई बारिश है क्या, कैसे बरसाई जाती है, कौन कौन से केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, दिलचस्प कहानी के दिलचस्प पहलू। मस्नूई बारिश का दूसरा नाम क्लाउड सीडिंग। खसूसी जहाज के जरिए बादलों पर केमिकल छिड़के जाते हैं। सोडियम क्लोराइड सिल्वर आयोडाइड बादलों को बर्फीले क्रिस्टल्स बनाते हैं। बादलों का वजन बढ़ने से बारिश होने लगती है। मस्नूई बारिश के लिए खास माहौल और मखसूस बादल दरकार। मरी में हल्की बारिश और बर्फबारी। मलका कोहिसार रुई के गालों से सफेद हो गई। सयाहों का रश। गलियात में भी बर्फबारी। वादी पर घटाओं का राज। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बलोचिस्तान में बादलों ने रंग जमा दिए। कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में हल्की बारिश। कान मेहतरजई और गिर्दनवाह चोटियां निखर गईं। ज़ियारत में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। यकबस्ता हवाएं चलने लगी।
पर्थ टेस्ट का आज चौथा रोज, कैंगरूज की पोजीशन बहुत मजबूत। ऑस्ट्रेलियाई टीम को पाकिस्तान के खिलाफ 300 रन की बर्तरी। मेजबान टीम 84 रन, दो खिलाड़ी आउट से दूसरी इनिंग्स का खेल आगे बढ़ाएगी। पहले इनिंग्स में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन फ्लॉप, 271 रन पर पूरी टीम पवेलियन लौट गई। चार खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। ऑस्ट्रेलियाई बैटर लबुशन इंजरी का शिकार। खुरम शहजाद की गेंद लगने से उंगली जख्मी, दूसरे टेस्ट में शिरकत मशकूक। एमकेएम कराची के अवाम के दिलों में है, कोई पीपल्स पार्टी हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। जिनको हुक्मरानी दी गई वो पानी चोरी करते हैं, क्या हम इनका जुल्म बर्दाश्त करते हैं। सीनियर डिप्टी कन्वेनर एमकेएम मुस्तफा कमाल का बल्दिया टाउन में जलसे से खिताब। हम इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार हैं, हम डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं। ये जो एक इबाम और र्यूमर्स थे वो खत्म हो गए, और आज से तो हमारा बुनियादी काम भी यही है कि लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन की जो मेंटेनेंस स्कूलों की थी वो सारा हम अपने आप को तैयार करें। ये तवक्को हमसे लगाना थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि हम केयर टेकर गवर्नमेंट हैं और हमारे ऊपर पाबंदियां भी हैं गजट में कि ये काम आप कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते। इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार हैं, अफवाहें दम तोड़ गईं। निगरान वजीर इत्तला'आत सिंध अहमद चा कहते हैं तमाम जमातों के तहफुजात कभी खत्म नहीं किए जा सकते। इलेक्शन का माहौल है, सब शिकायतें तो करेंगे, इल्जामात भी लगाए जाएंगे। मजीद बोले, जिस दिन किताब का कल्चर खत्म हो गया तहजीब खत्म हो जाएगी। दो हजार तेईस में मुल्की सियासत खूब गर्म रही। नवाज शरीफ चार साल खुद साख्ता जलावतनी के बाद वापस आए। कायद नू लीग 2019 में इलाज की गर्ज से लंदन गए। पीटीआई की पंजाब काबीना ने बाहर जाने की मशरूत इजाजत दी। वापसी पर नवाज शरीफ ने एवन फील्ड और अल अजीजिया में सजा के खिलाफ अपीलें दायर की। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एवन फील्ड रेफरेंस से बरी कर दिया। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज 2000 से ज़ायद गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने वतन लौट गए। अब तक 4,35,000 से ज़ायद गैर कानूनी मुकीम अफराद अपने वतन वापस लौट चुके। और पर्थ टेस्ट का चौथा रोज, कैंगरूज की पोजीशन मजबूत। चार विकेटों के नुकसान पर 186 रन बना लिए पाकिस्तान पर 402 रन की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान की पूरी टीम अपनी पहली इनिंग में 271 रन ही बना सकी।